हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है रीजनिंग का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डायरेक्शन। ठीक है, बस इसमें क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आपको पढ़ते जाना है और बनाते जाना है, ऑटोमेटिक सब बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए, एक पर्सन वॉक्स टूवर्ड्स, इसमें ध्यान रखना है, नॉर्थ ऊपर लेते हैं, दाहिने ओर ईस्ट लेंगे, बाएं ओर वेस्ट लेंगे और इधर साउथ लेंगे। इतना तो आपको मालूम बनाना चाहिए डायरेक्शन के बारे में। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, ए पर्सन वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। फोर, यहाँ से हम आदमी को लिए, 4 किलोमीटर जो है ये वेस्ट की ओर गया, बस खाली बनाते जाइए, 4 किलोमीटर वेस्ट की ओर गया। देन टर्न्स टू हिज राइट। अब बताइए, आदमी ऐसे जा रहा है तो उसका राइट कैसे होगा, इस साइड, तो फिर किधर गया, इधर 9 किलोमीटर, तो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, 9 किलोमीटर जो है ऊपर गया। अब यहाँ ऐसे जा रहा था तो ईस्ट दाहिने ओर हो जाएगा, कितना किलोमीटर, तो इसका मतलब कि 4 के भी आगे भाग जाएगा, ये 12 किलोमीटर गया। फिर वहाँ से जो है साउथ की ओर, मतलब नीचे की ओर आया, 3 किलोमीटर, कितना, 3 किलोमीटर साउथ गया। हाउ फार इज फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन, तो अभी पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ का दूरी क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए आपको जो है पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। अब ये 3 है, ये 9 है, तो कितना होगा, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, प्रैक्टिकल फिगर लगना भी चाहिए देखने से। ठीक है, तो ये जो है 3 था, तो ये 3 था तो ये 6 हो जाएगा, अब ये 4 था तो ये 8 हो जाएगा, तब ये 8 है, ये 6 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ये 10 हो जाएगा, है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 10 मार दीजिए, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, नन ऑफ डीज मार दीजिए, समझ गए। नेक्स्ट, अब उसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए पर्सन मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट, पर्सन जो है ईस्ट की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, कितना गया, 4 मीटर, चलिए 4 लिख दिए। देन लेफ्ट साइड विथ 90 डिग्री एंगल, लेफ्ट साइड मतलब इधर गया, कितना, 6 मीटर गया। देन टर्न टू द, यहाँ यहाँ जाने के बाद राइट साइड, इधर आ गया, कितना, 4 मीटर। एंड स्टॉप, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब इधर के बारे में कुछ पता नहीं है तो हमको पहले इधर और इधर मिलाना पड़ेगा। तो बताइए, ये 4 है, ये 4 है और ये वाला हाइट 6 था, तो फिर वही हो गया, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 ऑप्शन मार दीजिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए पर्सन मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट एंड कवर 5 किलोमीटर डिस्टेंस, 5 किलोमीटर ईस्ट गया, एंड देन टर्न्स, ऐसे जाकर राइट मुड़ा ना, नीचे की ओर आया, मतलब कितना, 5 किलोमीटर आगे, फिर यहाँ आने के बाद लेफ्ट क्या होगा बताइए, आदमी ऐसे जा रहा है, ये लेफ्ट होगा कि ये लेफ्ट होगा, वो लेफ्ट होगा, चलिए ठीक है, फिर ये भी 5 ही है, ये भी 5 गया, आगे बोलिए, फिर यहाँ आने के बाद राइट, बोले फिर नीचे गया 5 किलोमीटर, और बोलिए, फिर यहाँ आने के बाद लेफ्ट, इधर ही गया 5 किलोमीटर, और बोलिए, अरे भाई फिर 5 किलोमीटर नीचे गया, तो दिखेगा नहीं उस फिगर में। तो बताइए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का दूरी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो डिडू डिडू मैच कर जाएगा, पूरा कर जाएगा ना, तो अच्छा सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है, तो इसका जो है ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है, तो ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, है ना, बस मार दीजिए। नेक्स्ट, ठीक है,
अब देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बना कर रखिए, ये बन जाएगा। मिक्स कर दिया है इसमें डायरेक्शन को भी और एनालॉजी को भी, ठीक है। ए प्लस बी का मतलब है ए जो है नॉर्थ ऑफ बी है। तो ए वाले क्वेश्चन में अभी बताया ना आपको, कभी भी ऐसा दे तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, सीधे पूछना है। पूछ क्या रहा है भाई, पूछ क्या रहा है हमको, हमको पूछ रहा है पी परसेंटेज क्यू प्लस आर माइनस एस, यही पूछ रहा है ना। अब बताइए पी परसेंटेज क्यू का मतलब क्या हुआ, ए परसेंटेज बी का मतलब क्या है, ए जो है ईस्ट ऑफ बी है, तो पी जो है क्यू के ईस्ट में है, मतलब क्यू के ईस्ट में पी है। यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए ये वाला काम हम कर दिए। अगला बोलिए क्यू प्लस आर का मतलब क्या होगा, ए जो है नॉर्थ ऑफ बी है, मतलब क्यू जो है बी के नॉर्थ में है, मतलब आर जो है नीचे होगा। अच्छा सॉरी क्यू के पूछा है ना, सॉरी क्यू जो है आर के नॉर्थ में है, तो आर नीचे होगा, इसके नॉर्थ में क्यू रहेगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आर माइनस एस, आर माइनस एस का मतलब क्या है, ए इज द वेस्ट ऑफ बी, आर जो है वेस्ट है किसके, एस के, तो ये इधर क्या होगा ईस्ट, तो ये हो जाएगा एस, एस के वेस्ट में ये है। कोई दिक्कत तो बताइए कहाँ से पूछा है, इन विच डायरेक्शन रिस्पेक्ट टू क्यू, तो ये देख लीजिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, कौन सा डायरेक्शन में है ये, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, हो गया, समझ रहे। तो बस गौर पूर्वक पढ़ना है क्वेश्चन को और बना देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें पूरा लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मत पढ़िए, सीधे क्या बनाने को पूछा है वही पर सीधे चल जाइए, समय गंवाना नहीं है आपको। नवजोत पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, नवजोत जो है कहाँ जा रहा है, पश्चिम की ओर, ठीक है। कुछ दूरी तय करने के बाद वो बाएं मुड़ता है, जाने के बाद दाहिने बाएं, नीचे की ओर जा रहा है, उसके बाद क्या है, वो बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर यहाँ आने के बाद इधर आ जाएगा वो, उसके बाद क्या बोलता है, उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, इसका मुंह किस दिशा की ओर है आदमी का बताइए, हाँ वेस्ट की ओर है, पश्चिम की ओर। नेक्स्ट, अपने घर से दीपक 15 किलोमीटर की ओर उत्तर की ओर चलता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने घर से दीपक 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, दीपक बाबा हैं ऊपर की ओर जा रहे हैं 15 किलोमीटर, ठीक। आगे फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, अब यहाँ जाने के बाद आपका ईस्ट वेस्ट पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। पश्चिम की ओर कितना मुड़ता है, 10 किलोमीटर, चलो 10 किलोमीटर दे दिए। फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर मतलब नीचे आ रहा होगा, कितना आता है दक्षिण की ओर, 5 किलोमीटर, ठीक है। अंत में अपने पूर्व की ओर मुड़कर उसने यहाँ से फिर पूर्व की ओर मुड़ता है, पूर्व की ओर कितना मुड़ता है, 10 किलोमीटर, बोले तो पूरा सटा देगा इसको, ठीक है। यहाँ पहुँच गया बेटा, तो पूछ रहा है वो अपने घर से किस दिशा की ओर है, तो 15 और 5 मतलब 10 किलोमीटर ऊपर है, नॉर्थ की ओर है ना, नॉर्थ उत्तर। नेक्स्ट, राम अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। लास्ट क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आप मोर देन सफिशेंट है समझाने के लिए, है ना। राम अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, राम जो है 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। आगे वह दाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से जाने के बाद वो दाहिनी ओर मुड़ गया, कितना मुड़ा, 12 ही मुड़ा, ठीक है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है, फिर यहाँ से जाने के बाद दाईं ओर, बोले तो नीचे ही आएगा, फिर 12 किलोमीटर मुड़ गया, फिर 5 किलोमीटर और फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो बताइए नीचे से आके बायां किधर होगा, दायां बायां उधर बाहर की ओर, बाहर की ओर कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर, हाँ
तो ये किधर है, घर से जो है ये 12 तो ये था और 5 ये था, तो 17 किलोमीटर किधर साइड है, ईस्ट साइड है ना। नेक्स्ट तो ये आप लोग बना सकते हैं खुद से ना, तो आप खुद से बनाइए, मोर देन सफिशिएंट है समझाने के लिए, ठीक है। शैडो है ना, शैडो वर्ड है। अब आ जाइए हमारा नया टॉपिक, नया टॉपिक में क्या बोल रहा है, शैडो। शैडो जो है एक कंसेप्ट बहुत तगड़ा है, एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा शैडो का कंसेप्ट दे दिया जाएगा और उससे जो है आप, उससे आप जो है पूरा सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए शैडो का ये कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है, ये याद रहा तो कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप बना दीजिएगा। शैडो का कंसेप्ट है कि नॉर्थ जो है राइट से रिलेटेड होता है, साउथ जो है लेफ्ट से रिलेटेड होता है, और ईस्ट जो है फ्रंट से रिलेटेड होता है, और वेस्ट जो है बिहाइंड से रिलेटेड होता है। मतलब कि दाहिना जो है उत्तर से रिलेटेड होता है, और बायां जो है दक्षिण से रिलेटेड होता है, और आगे जो है पूरब से रिलेटेड होता है, और पीछे जो है पश्चिम से रिलेटेड होता है। देखिए उसमें लिखा हुआ भी है आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द मॉर्निंग आफ्टर सनराइज राम एंड श्याम टॉकिंग विथ ईच अदर। राम और श्याम जो है आपस में बात कर रहा था मॉर्निंग में, तो सनराइज किधर होता है, ईस्ट डायरेक्शन में, आपका ईस्ट डायरेक्शन में सनराइज हो गया, ठीक है। सनराइज ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, तो परछाई किधर आएगा, सनराइज अगर इधर हो रहा है तो उसका परछाई ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट तरफ परछाई जाएगा, तो उसका शैडो बनेगा यहाँ पर वेस्ट की तरफ, जिधर जिधर सन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट साइड शैडो बनता है ना, शैडो अपोजिट साइड बनेगा। अब क्या बोल रहा है, एक दूसरे से फेस से, फेस टू फेस वो बात कर रहे हैं। द शैडो ऑफ राम फॉल्स लेफ्ट टू द श्याम। सबसे पहले ये हमको समझ में आ गया कि राइट लेफ्ट का मामला है तो ये नॉर्थ साउथ का मामला है, क्योंकि राम का जो शैडो है, ये राम हो गया मान लीजिए, ये श्याम हो गया, ठीक है। अब वो क्या बोला क्वेश्चन में, शैडो ऑफ राम फॉल्स लेफ्ट टू द श्याम, मतलब श्याम के लेफ्ट साइड शैडो बन रहा है, मतलब कि परछाई जो है ये साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड मतलब श्याम के लेफ्ट साइड है ना। इन विच डायरेक्शन श्याम फेस, श्याम का फेस किधर साइड है, तो अभी आपको बताए हैं कि श्याम जो है साउथ डायरेक्शन में है और फेस जो है उसका नॉर्थ डायरेक्शन में है, तभी एक दूसरे से ऐसे बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि हम अभी आपको बताए हैं कि अगर शैडो लेफ्ट डायरेक्शन में बनेगा तो वो साउथ डायरेक्शन में आदमी होगा, ठीक है। तो साउथ डायरेक्शन में है तो बात करने के लिए तो आदमी नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेगा, तो फेस नॉर्थ डायरेक्शन में करेगा, और राम, राम के दाहिने साइड बन, सॉरी शैडो जो है श्याम के बाएं साइड है लेकिन राम के दाहिने साइड बनेगा, है ना। तो राम के दाहिने साइड बनेगा तो जो है, आर लिखने से कंफ्यूज हो जाओगे, राम है ये श्याम है, तो राम और श्याम जो है श्याम के लेफ्ट साइड शैडो बन रहा है, इसका मतलब कि ये जो है लेफ्ट साइड से हमको समझ लेना है कि वो साउथ में खड़ा है, तो ये साउथ में होगा तो ये नॉर्थ में होगा। आपस में बात करने के लिए दोनों का चोंच मिलना चाहिए। अब चोंच से बताइए कि इसका फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ, समझ में आ गया है ना। तो बस खाली आपको ये याद रखना है, नॉर्थ जो है राइट से रिलेटेड है, साउथ जो है लेफ्ट से रिलेटेड है, NRSLFEBW, ठीक है। ये चार याद है तो आप शैडो का क्वेश्चन बना दीजिएगा आप। चलिए एक और लेते हैं, इन द इवनिंग तेजस्वी एंड तेज फेसेज अपोजिट टू ईच अदर। अब क्या बात कर रहा है, इवनिंग का बात कर रहा है, तो इवनिंग में सन भगवान किधर रहेंगे, पश्चिम की ओर, तो इसका जो शैडो होगा वो क्या बनेगा, पूरब की ओर। इतना तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तेजस्वी एंड तेज फेसेज अपोजिट, तेजस्वी शैडो इज टू हिज लेफ्ट, तेजस्वी का लेफ्ट है तो तेजस्वी नीचे है ना, तेजस्वी का शैडो लेफ्ट में है, इसका मतलब कि तेजस्वी नीचे है। इन विच डायरेक्शन तेज फेसेस, तो फेसेज उसका नॉर्थ होगा है ना। तेजस्वी का डायरेक्शन, तेजस्वी का शैडो इज टू हिज लेफ्ट, ठीक है। तो तेज का पूछ रहा है, तेज का, अच्छा ये तेजस्वी है,
तो नीचे में तेजस्वी है तो ऊपर में तेज होगा, है ना? सॉरी लेफ्ट बोला है ना तेजस्वी के, तो शैडो ईस्ट साइड आया, तो शैडो का लेफ्ट साइड कौन होगा? हाँ तेजस्वी रखेंगे तब जा कर के यहाँ आदमी रहेगा, यहाँ जो है आदमी को रखेंगे तब उसके लेफ्ट साइड में शैडो आएगा, है ना? हाँ तो तेजस्वी यहाँ हो जाएगा, तेज यहाँ हो जाएगा, ये ऐसे चोंच लगाएगा, ऐसे चोंच लगाएगा, ठीक है? अब बताइए क्या पूछा है आगे क्वेश्चन, तेज का फेस पूछा है, तो तेज का फेस किधर है? नॉर्थ डायरेक्शन में। ये वाला कंसेप्ट कब लगेगा? सनराइज में। तो ये सनसेट था, पलट दिया है तो ये पूरी पलट जाएगा, है ना? नेक्स्ट लेफ्ट राइट पूछेगा तो नॉर्थ साउथ में आंसर आएगा, ठीक है? अब आ जाइए वेन डायग्राम में, ठीक है? तो मोर देन एनफ है शैडो समझने के लिए।